सो हेलो एवरीवन, सूरज मिश्रा हियर, वेलकम टू द वेब डेवलपमेंट कोर्स। दोस्तों आज मैं टीवी देख रहा था और उसमें ऐड आ रही थी, आज कुछ तूफानी करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम भी कुछ तूफानी करें। देखो कोई इतना बड़ा पहाड़ नहीं तोड़ने वाले हैं, सिंपली एक वेब पेज डिज़ाइन करने वाले हैं, बहुत ही सिंपल सा है। और एक्चुअली में है क्या, वो W3 स्कूल पे एक रेडीमेड जो है एक टेम्पलेट बनी हुई है, हम इसी को एज इट इज़ डिज़ाइन करेंगे अपनी HTML CSS लिख के। अपना मोटिव यही है कि हमने जितना भी पीछे कुछ सीखा है और ऐसी भी कुछ चीज़ें होंगी जो हमने अभी तक नहीं सीखी हैं लेकिन आने वाले टाइम में सीखेंगे, उनका यूज़ करके इस पेज को डिज़ाइन करना है, ठीक है ना। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। और एक बात की मुझे नहीं पता है कि ये वीडियो कितनी लंबी होने वाली है, कितना टाइम लगने वाला है, आई रियली डोंट नो। तो चलो लेकिन जितना जल्दी शुरू करेंगे उतनी जल्दी ख़त्म होगी, बेसिक सी बात है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, शुरू करने से पहले एक बात है कि आप कभी भी किसी भी पेज को डिज़ाइन कर रहे हो तो या तो देखो आपके माइंड में एक इमेज होगी उसको डिज़ाइन करने से पहले, या फिर जो वेब डिज़ाइनर होगा, क्योंकि आप वेब डेवलपर हो अगर, तो मान लो जो भी वेब डिज़ाइनर होगा आपको एक डिज़ाइन तैयार करके देगा, या फिर क्लाइंट मान लो आपको स्पेसिफिक आपको कोई डिज़ाइन देता है अपनी रिक्वायरमेंट बता के, तो आपको सबसे पहले उसको ऑब्जर्व करना है कि हमको एक्चुअली में करना क्या है, किस तरीके से करना है, ठीक है ना। तो चलो सबसे पहले एक बार इसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमें करना क्या है। देखो सबसे पहली बात तो ऊपर एक नेव बार बना हुआ है, ठीक है भाई। यहाँ पे एक लिंक यूज़र है, यहाँ पे तीन लिंक यूज़र हैं, ठीक है भाई। अगर इस पर क्लिक करता हूँ तो कुछ खास नहीं हुआ, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। अबाउट पे क्लिक कर रहा हूँ तो अबाउट का सेक्शन खुल गया है इनका। मेन्यू पे कर रहा हूँ तो मेन्यू का सेक्शन खुल रहा है। कॉन्टैक्ट पे कर रहा हूँ तो कॉन्टैक्ट का सेक्शन खुल रहा है, बहुत अच्छी बात है। और नीचे एक इन्होंने ऐसा फुटर सा बना रखा है जहाँ पे अपना लिंक दे रखा है। और एक्चुअली में ये है पूरा एक ही वेब पेज, ये कोई अलग अलग वेब पेज लिंक नहीं कर रखे, एक ही वेब पेज है जिसमें सेक्शंस को आईडी देके और लिंकिंग में उनको टारगेट कर रखा है। कोई बड़ी बात नहीं है, हम ये करेंगे, अभी करते हैं। ऊपर एक और बात है कि देखो इसको मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ तो ये जो मेरे ऊपर नेव बार है ना, ये स्टेबल रह रहा है, ये हिल नहीं रहा है कहीं अपनी जगह से, इसको फिक्स कर रखा है, ठीक है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात, ये तीन इमेजेस जो है आपकी यूज़ कर रखी है इन्होंने, तो ये इमेजेस तो मैं डाउनलोड कर लूँगा, अभी कट कर दूंगा उस पार्ट को, डाउनलोड करते हुए दिखाना तो नहीं है, उस पर राइट क्लिक किया, सेव इमेज, आपको पता ही है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। तो चलो दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं, अब कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, अब कोड कह लो या कुछ भी कह लो। चलो सबसे पहले मैंने देखो HTML फाइल ऑलरेडी बना रखी है और एक CSS फाइल बना रखी है, दोनों के दोनों खाली हैं बिल्कुल। मैं टैब्स के बीच में स्विच करूँगा, कंट्रोल के साथ टैब प्रेस करके, कंट्रोल के साथ टैब, कंट्रोल के साथ टैब, इस तरीके से मैं अपनी जो टैब्स ओपन हो रखी हैं उनमें स्विच करूंगा। और मेरे को अगर विंडो में स्विच करना होगा तो मैं फटाफट से ऑल्ट टैब यूज़ करूंगा, ठीक है, ऑल्ट टैब, ऑल्ट टैब, ऑल्ट टैब, ठीक है। मैंने अब तक बताया नहीं है कि इस तरीके से कुछ लोग होते हैं, मुझे पता है कि जो मतलब बहुत ज़्यादा बिगिनर्स हैं वो इसको मिनिमाइज़ करते होंगे, उसको मैक्सिमाइज़ करते होंगे, इस तरह का यूज़ करते होंगे, ऐसा भी हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो जाता है। तो चलो दोस्तों फटाफट से शुरू करते हैं। देखो सबसे पहले हम पूरी HTML लिखेंगे, उसके बाद हम CSS लिखेंगे उसकी। तो सबसे पहले हमको HTML लिखनी है। HTML के अंदर करना क्या है कि जितने भी सारे कंटेंट आपको दिखाई दे रहे हैं ना अपने पेज के ऊपर, हमको बिल्कुल इसी फ्लो में, इसी सीक्वेंस को बनाए रखते हुए सारा का सारा डाटा पुट करने है, सारे एलिमेंट्स पुट करने हैं। तो चलो फटाफट से शुरू करते हैं। मैंने अपने एक्सक्लेमेशन मार्क से बॉयलर प्लेट ली और बॉडी के अंदर सबसे पहली चीज़ जो दिखाई दे रही है ऊपर नेव बार बनाना है, और नेव बार के अंदर एक लिंक यहाँ है और तीन लिंक का ग्रुप यहाँ है, तो ठीक है। सबसे पहले मैंने एक डिव बनाया और इसकी मैंने आईडी दी, इसी तरीके से आईडी दे सकते हैं हम शॉर्टकट्स यूज़ करेंगे जितना ज़्यादा हो सके, क्योंकि हमको जल्दी काम ख़त्म करना है, ठीक है ना, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं बनाना। तो मैंने इसका नाम रखा टॉप नेव, ऑल राइट। और इसके अंदर अब क्या, ये मेरा अभी ये कंटेनर बना है तो मेरे को सबसे पहले तो ये एक लिंक देना है, तो मैंने एक दिया लिंक। और HTML में मैंने इसका जो वो बनाऊंगा टारगेट जो हमको देना है वो देना है हमको होम सेक्शन, ठीक है ना। अभी ये बनाएंगे हम होम सेक्शन, अभी के लिए मैं टारगेट सिर्फ बना रहा हूँ इसको। और इसके बीच में लिखना ये कुछ इन्होंने क्या लिख रखा है, गोरमेट AU कैटरिंग, जो भी है गोरमेट AU कैटरिंग, ऐसे ही बना देंगे जी। उसके बाद तीन का यहाँ पे ग्रुप है। और एक और बात कि इसको हमको फ्लोट राइट करवाना पड़ेगा, उसके लिए हमको इसको एक और डिव के अंदर, एक और कंटेनर के अंदर डालना पड़ेगा। और इसको मैं आईडी भी देता हूँ कि टॉप नेव राइट। देखो कभी भी आप आईडी क्लासेस यूज़ करोगे ना तो नाम आपको बिल्कुल ठीक यूज़ करने हैं, ऐसे जिससे आप रिलेट कर सको, ये नहीं ABC XYZ ऐसे नाम दिए जैसे हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉलेज में सीखते हैं, सी लैंग्वेज, तो वहाँ पे X Y ये वेरिएबल डिक्लेयर करते रहते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अंदर देखो तीन लिंक है,
चलो जी तीन लिंक बनाते हैं, ए को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 3 लिंक आ गए। और यहाँ पे मैं देखो लिंक देने वाला हूँ अपने सेक्शन का, कौन से अबाउट सेक्शन का, तो मैंने लिखा अबाउट सेक्शन। मैं अभी ये सेक्शन बनाऊंगा आगे, अभी सिर्फ लिंकिंग दे रहे हैं हम इनकी। और यहाँ पे मेरे को सिर्फ शो होना चाहिए अबाउट, और नेक्स्ट मेरे को मेन्यू, तो मैंने यहाँ पे लिखा हैश मेन्यू सेक्शन। हम कर कह रहे हैं कि भाई इस पर क्लिक हो तो ये सेक्शन ओपन हो जाए जो कि अभी हम बनाएंगे। और यहाँ पे मैंने मेन्यू लिखा एम बड़ा करो भाई। और उसके बाद एक कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाना है, तो कॉन्टैक्ट सेक्शन बनाया, थोड़ा जल्दी करते हैं, स्पीड मुझे लग रहा है स्लो हो रही है कॉन्टैक्ट। और इसके बाद देखो हमने ऊपर का नैव बार में जितने भी एलिमेंट आने थे हमने डाल दिए हैं, और ये टॉप नैव कंप्लीट हो गया है। उसके बाद देखो हमको ये होम सेक्शन डिज़ाइन करना है जिसमें ये बर्गर बड़ा सा रखा हुआ है ना, और ये ली कैटरिंग लिखा हुआ है, तो ये हमको एक डिव के अंदर डालना पड़ेगा। हम इसको सिर्फ एक इमेज के अंदर भी डाल सकते हैं, लेकिन हमको ये ली कैटरिंग जो है इसको पोजिशन एब्सोल्यूट करके करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक तरीका यही है कि इसको एक कंटेनर के अंदर रखा जाए। तो मैंने डिव लिखा और इसका मैंने आईडी दी अपना होम सेक्शन, एज इट इज़ यूज़ करना। देखो जो आप स्पेलिंग जो आप कैमल केस या फिर जो भी अपर केस लोअर केस यूज़ कर रहे हो, जैसे लिख रहे हो ऐसे क्या ऐसा आपको आईडी देनी है यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि ताकि कोई इस पर क्लिक करे तो आपका ये होम सेक्शन ओपन हो, ठीक है ना, हम एक तरह से होम बटन बना रहे हैं इसका। ऑल राइट, और इस डिव के अंदर देखो क्या है कि एक तो इमेज है, इमेज मैंने डाउनलोड कर ली थी, वो पार्ट मैं कट कर चुका हूँ। तो यहाँ पे मैंने इसका नाम रखा हुआ है मे बी बर्गर डॉट जेपीजी, ठीक है, ये इमेज रखी। और इस इमेज का विड्थ जो है 100% देनी है, क्योंकि नहीं तो ये ऑलरेडी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट करेगी। तो मेरे को क्या करना है, जितना मेरा व्यू पोर्ट है, जितने मेरी वेब ब्राउजर की विड्थ है, उतनी ही बड़ी मुझे ये इमेज चाहिए, तो मैंने कर दिया। उसके बाद मुझे यहाँ पे एक पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने पैराग्राफ लिया जिसके अंदर लिखा हुआ है ली कैटरिंग, ठीक है, ली कैटरिंग लिख दिया। तो हमने होम पेज के ऊपर जितना चाहिए सामान वो भी रख दिया। मैं अबाउट पे क्लिक कर देता हूँ। अब अबाउट के अंदर क्या दिखाई दे रहा है, देखो सबसे पहली बात अभी जो हमने ऑब्जर्व करी थी कि ये जो ऊपर होम पेज है ना, ये तो पूरी की पूरी विड्थ यूज़ कर रहा है, लेकिन आने वाले अबाउट मेन्यू एंड कॉन्टैक्ट नॉट इंक्लूडिंग फुटर, ये जो तीन सेक्शन है ना, इनकी विड्थ आप देखो, यहाँ पे वाइट स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे वाइट स्पेस दिख रहा है, यानी कि आपकी ये जो सेक्शन चल रहा है, सेक्शन जो आपका ग्रुप है, इन्होंने क्या करके विड्थ कम कर रखी है और जो सेंटर लाइन कर रखा है। अच्छा, उसके बाद यानी कि हमको क्या करना है, सबसे पहले तो एक कंटेनर बनाना है, ये जो मेरे सेक्शन है अलग अलग मैं अबाउट का मेन्यू का कॉन्टैक्ट का, मेरे को इनका ही एक कंटेनर बनाना पड़ेगा। तो मैंने एक डिव बनाया और इसको नाम दे दिया कि सेक्शन कंटेनर, ठीक है, डिव बनाया सेक्शन कंटेनर। अब इसके अंदर मैं वो तीनों के तीनों सेक्शंस पुट करूंगा, तो मेरे को पहले तो तीन सेक्शन बना लेने चाहिए। हम ऐसे कर लेते हैं कि इसको हमने नाम दिया, सबसे पहले वाले का नाम क्या है अबाउट, तो मैंने नाम दिया अबाउट सेक्शन सबसे पहला, ठीक है। और एक बार दूसरा जो सेक्शन है हमारा वो भी करते हैं, दूसरा सेक्शन होगा हमारा क्या, मेन्यू सेक्शन। और तीसरा भी एक बार सेक्शन बनाते हैं, फिर इनके अंदर के एलिमेंट डालते हैं जो भी हैं, और इसका क्या नाम है कॉन्टैक्ट सेक्शन, तो ये भी डाल दिया, ठीक है। अब एक एक करके इन तीनों सेक्शन के अंदर देखो, अभी सेक्शन कंटेनर बनाया, उसके अंदर तीन सेक्शन डाले, अब तीनों सेक्शन के अंदर अंदर जो सामान है, एलिमेंट्स हैं, वो डालते हैं, ठीक है। तो यार देखो, किसी को ये इनफॉर्मल जो मैं होके बातें कर रहा हूँ अजीब लग रहा हूँ ना, तो बस माफ़ करना बस, या फिर ध्यान मत दो यार, वो क्या बताऊँ। अच्छा, इसके के अंदर करना क्या है हमको, अबाउट सेक्शन के अंदर देखो आपको दिख रहा है कि एक इमेज है और एक यहाँ पे टेक्स्ट है, जो कि आधा आपका जो आपके इस अबाउट सेक्शन का जो आपकी देखो टोटल विड्थ है, जो भी आपका पूरा एरिया है, उसको आधा आधा दो पोर्शन में बांट रखा है टोटली। पहली बात तो ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है ये हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ये इंक्लूड नहीं करेंगे, हम सिर्फ यहाँ से शुरू करेंगे और यहाँ से शुरू, और इसको आधा आधा बांट रखा है। आधा जो है टेक्स्ट का कंटेनर है और आधा इमेज का कंटेनर, यानी कि दो कंटेनर बनेंगे। तो मैंने एक कंटेनर तो बनाया IMG कंटेनर, यानी कि अपना इमेज का कंटेनर, जिस पता नहीं क्या गिरा, जिसके अंदर इमेज क्या है हमारी, मैंने इसका नाम क्या रखा था, table1.jpg, ठीक है, ये इमेज डाल दी मैंने इस कंटेनर के अंदर। और यस, हमको इसकी विड्थ रखनी 100% कि भाई जितना मैं कंटेनर का साइज़ दूंगा उतनी ही मेरी इस विड्थ की भी साइज़ हो, ये नहीं कि ऑटोमेटिकली जितना इसका साइज़ है उतना ले ले। दूसरा मेरे को कंटेनर बनाना है टेक्स्ट का कंटेनर,
ठीक है भाई, टेक्स्ट का कंटेनर बनाया। टेक्स्ट कंटेनर के अंदर सबसे पहले ऊपर एक H1 है, हेडिंग है, जिसमें लिखा हुआ है अबाउट कैटरिंग, अबाउट कैटरिंग, ठीक है, अबाउट कैटरिंग डाला। उसके बाद आपको एक छोटा सा पैराग्राफ दिखाई दे रहा है जिसके अंदर लिखा हुआ है ट्रेडिशन सिंस 1889। देन उसके बाद एक और पैराग्राफ है, और मैं इस पैराग्राफ को तो कॉपी करूँगा भाई, इतना लंबा टाइप नहीं करने का, पेस्ट किया और ये तो बाहर जा रहा है, तो ऑल्ट जेड से रैप कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और पैराग्राफ लिया जो कि हमारा ये वाला होगा, तो इसको मैंने कॉपी किया और इसको पेस्ट किया। और एक और बात कि इसको मेरे को एक आईडी देनी पड़ेगी, क्योंकि हमको इसको ग्रे कलर देना है, ठीक है ना। ये देखो जो इसका कलर है वो ग्रे है, ऊपर वाले का ब्लैक है, ठीक है ना। तो हमने क्या कर लिया, ये अबाउट सेक्शन बना लिया लगभग, कि अबाउट के देखो, अबाउट का क्या किया हमने, सबसे पहले सेक्शन कंटेनर बनाया और उसके अंदर अबाउट का सेक्शन बनाया। यहाँ से अबाउट का सेक्शन शुरू हुआ और यहाँ तक है, ठीक है। अबाउट सेक्शन के अंदर एक इमेज कंटेनर बना लिया, ठीक है, और इसके अंदर इमेज डाल दी, विड्थ दे दी, और एक टेक्स्ट कंटेनर बनाया, उसमें H1P डाल दिए, 2-3 जितने भी हैं डाल दिए, चलो ठीक है। उसके बाद कुछ छूट भी गया तो बाद में देख लेंगे क्या दिक्कत है। मेन्यू सेक्शन बनाना है, ठीक है। मेन्यू सेक्शन यानी कि मेन्यू सेक्शन में आए हम, इसके अंदर लेफ्ट साइड में अपने को पहले क्या चाहिए, एक टेक्स्ट कंटेनर चाहिए, और दूसरी साइड अपने को एक इमेज कंटेनर चाहिए। तो कोई बात नहीं, बनाते हैं। तो यहाँ पे मेरे को चाहिए टेक्स्ट कंटेनर, नाम मैं इसका कंटेनर का टेक्स्ट कंटेनर रख रहा हूँ। और इसके बाद इसमें सबसे पहले क्या है, एक H1 है और उसमें लिखा हुआ है आवर मेन्यू। उसके बाद आपको दिख रहा होगा ये जो है ना, एक तरह से हेडिंग है ब्रेड बास्केट, और ये इसके बारे में लिखा हुआ है, फिर हनी आलमंड ग्रेनोला विद फ्रूट्स, फिर इसके बारे में लिखा हुआ है। तो यानी कि अपने को 3-2-5 हेडिंग्स चाहिए और नीचे छोटे छोटे 5 पैराग्राफ चाहिए। तो यानी कि, और उसके बाद हेडिंग भी देखो छोटे, तो मैं H3 यूज़ करता हूँ, H3 चाहिए। सबसे पहली बात तो एक ही बनाते हैं पहले, और इसमें लिखा मैंने मान लो ब्रेड बास्केट H3, और इसके साथ ही मैंने एक पी लिया, पी टैग, और मैं इतना लंबा लिखने नहीं वाला। इसको कॉपी किया और इसको पेस्ट किया, तो चलो लिख दिया मैंने, कॉपी पेस्ट कर दिया फटाफट से। उसके बाद अब हमको इसी मेन्यू सेक्शन का दूसरा पार्ट फटाफट से इमेज लगानी है, ठीक है जी। इसके बाद मैंने यानी कि एक और कंटेनर बनाया अपना, लेकिन इसके अंदर नहीं, इसके बाहर, इस कंटेनर के बाहर एक कंटेनर बनाया जिसका नाम है टेक्स्ट कंटेनर 2 नाम रखना पड़ेगा, क्योंकि हमने यहाँ पर भी टेक्स्ट कंटेनर 2 नाम रखना पड़ेगा। और ये जो है ये हमारा इमेज कंटेनर 2 है, क्योंकि हमने ये आईडी पहले यूज़ कर चुके हैं, टेक्स्ट कंटेनर और इमेज कंटेनर, ठीक है। ये हो गया हमारा इमेज कंटेनर 2, और इसके अंदर सिंपली एक इमेज है जिसका नाम है टेबल 2.jpg आई थिंक, या यही है। और इस फाइल को एक बार सेव करके देख ले, इतनी इमेज आ गई है भाई। उसके बाद अब हमको कॉन्टैक्ट सेक्शन डिज़ाइन करना है, डिज़ाइन तो अभी सब कुछ ही करना है अभी, तो खैर हम क्या करें। अच्छा एक और बात है, यहाँ पे देखो हमने ध्यान नहीं दिया इतना, यहाँ पे जैसे ये अबाउट सेक्शन जहाँ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे एक हॉरिजॉन्टल आपको लाइन दिखाई दे रही होगी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ भी है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ भी है, यानी कि अबाउट जहाँ ख़त्म हुआ मेरा, अबाउट सेक्शन यहाँ पे ख़त्म हुआ मेन्यू के शुरू से पहले, कहाँ क्लिक हो रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो मैंने HR लिखा, और ऐसे ही कॉन्टैक्ट सेक्शन शुरू होने से पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तो वो भी कर दिया। अब फटाफट से कॉन्टैक्ट सेक्शन शुरू करते हैं, इसके अंदर क्या क्या डालना है, एक हेडिंग डालनी है, तो मैंने डाल दी फटाफट से कॉन्टैक्ट, और इसके अंदर एक पैराग्राफ चाहिए, तो मैंने फटाफट पैराग्राफ लिख दिया और पैराग्राफ किया, यहाँ से कॉपी, इतना लंबा टाइप नहीं करना। अगला एक और पैराग्राफ, तो इसको भी किया कॉपी, और न्यू एक पैराग्राफ लिया, पेस्ट किया, और इसके बाद एक और ये पैराग्राफ लेंगे हम, कॉपी किया और पेस्ट किया।
उसके बाद अब आपको ये दिखाई दे रही है एक फॉर्म टाइप की, जिसमें नेम, हाउ मेनी पीपल, ये कैटरिंग वगैरह की है ना, तो मतलब बताना कि बंदे कितने हैं, फिर डेट, टाइम, मैसेज या स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, एंड एक सेंड बटन जिसपे होवर इफेक्ट भी है। ठीक है जी, ये बना देंगे। अब आपको क्या करनी है, एक फॉर्म डिज़ाइन करनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक फॉर्म कंटेनर के अंदर डालना ज़रूरी है, चलो डाल देते हैं। कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर पैराग्राफ ख़त्म होने के बाद एक फॉर्म बनाया। फॉर्म के अंदर बेसिकली क्या है, चार इनपुट हैं, इनपुट चाहिए हमें चार, और पहली टेक्स्ट है, टेक्स्ट है, फिर तीसरी डेट है, यानी पहली टेक्स्ट ठीक है, तीसरी को हमको डेट करना है, चौथी भी ठीक ही है, और एक और इनपुट टाइप है हमारी जिसका नाम है ये सबमिट बटन, जैसे सेंड मैसेज है ना, और इसको सिंपली हम एक बटन बना लेते हैं, इससे अच्छा सेंड मैसेज के नाम का बटन बना लेते हैं, क्योंकि अभी तो फ्रंट एंड डिज़ाइन कर रहे हैं, इसका और कुछ सीन नहीं है। सेंड सेंड बटन लिख रहा हूँ, सेंड मैसेज, फाइल को सेव कर लिया जी। और उसके बाद आपको देखो ये नेम, हाउ मेनी पीपल, यानी ये प्लेस होल्डर्स होते हैं, ये भी लिखने ज़रूरी हैं। और पहले में क्या है कि नेम, दूसरे में हाउ मेनी पीपल, तो मैंने प्लेस होल्डर लगाया हाउ मैनी पीपल, तीसरे में अपने को कोई ज़रूरत नहीं है कुछ करने की, और इसमें लिखना पड़ेगा मैसेज, सॉरी पहले प्लेस होल्डर, इसका प्लेस होल्डर है मैसेज और स्लैश स्पेशल रिक्वायरमेंट्स, रिक्वायरमेंट्स। उसके बाद देखो अपना ये एक तरह से ये सेशन भी तैयार हो गया, कॉन्टैक्ट सेशन। उसके बाद अपने को एक ये बनाना है, फुटर पाथ बनाना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इसके ख़त्म होने के बाद बिल्कुल बॉडी जस्ट पहले, क्योंकि ये पूरी इसकी विड्थ यूज़ हो रही है, तो फिर हम इसका क्या करते हैं, एक फुटर बनाते हैं, यानी कि एक डिव लिया और इसका फुटर बनाया, और इसके अंदर बेसिकली लिखा क्या हुआ है, पावर्ड बाय w3.css, तो यानी कि डिव के अंदर लिखा हुआ है पावर्ड का पी बड़ा, इतना ध्यान तो देना नहीं चाहिए वैसे, ठीक है लेकिन। और एक एंकर टैग यूज़ हो रहा है यहाँ पे, क्योंकि एक लिंक है देखा जाए w3.css। फाइल को सेव किया जी, और यहाँ पे अपनी फाइल को रीलोड कर लिया। और अपना कितना हो चुका है, अपना कॉन्टैक्ट वॉन्टैक्ट सब कुछ हो चुका है। देखो अभी जो आपको दिखाई दे रहा है ये हमने सिर्फ HTML पुट करी है, जो कि बहुत अगली एक वेब पेज दिख रहा है, ना कुछ लेआउट है, ना इमेज का साइज है, ना कुछ है। लेकिन अब हम इसके ऊपर CSS अप्लाई करने वाले हैं, तो ध्यान से देखना। CSS अप्लाई करने के बाद इसकी बिल्कुल शक्ल बदल जाएगी, शक्ल हो जाएगी इसके जैसी, हम इसका जुड़वा भाई बनाने जा रहे हैं, ठीक है ना। तो चलो शुरू करते हैं शुरू से। हमको सबसे पहले क्या करना है, इस नैव बार को बनाना है वाइट कलर का और बिल्कुल एज इट इज़, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले तो अपनी इस HTML फाइल के साथ अपनी वो वाली एक्सटर्नल जो CSS फाइल है उसको लिंक करना पड़ेगा। लिंक किया मैंने, और इसमें नाम है मेरा mywebpage.css, और अब मैं उस CSS में जो भी CSS लिखूंगा वो मेरी इंप्लीमेंट होगी इस HTML फाइल पे, ठीक है। तो चलो करते हैं शुरू। सबसे पहले हमको डिज़ाइन करना है ऊपर का नैव बार, ठीक है। तो इसमें है क्या, देखो यहाँ तक है, मैंने इसको हाईलाइट कर दिया है। अब हमें इसके हिसाब अपने एलिमेंट्स को देखते देखते और फटाफट से इस डिज़ाइन के हिसाब से और डिज़ाइन करना है। तो सबसे पहले चीज़ क्या करनी है, हमको ये एक लिंक एक तरफ और वो तीन लिंक एक तरफ करनी है, ठीक है। तो यानी कि इस पहले एक को, पहले सबसे पहली बात तो हमको क्या करना पड़ेगा कि जो मेरा टॉप नेव है, सबसे पहली बात इससे भी पहले कि बॉडी का जो बाय डिफ़ॉल्ट एक मार्जिन और पैडिंग है उनको हम ज़ीरो कर लेते हैं। देन उसके बाद शुरू करते हैं, मेरा आईडी है टॉप नेव, सबसे पहले हम टॉप नेव को डिज़ाइन कर रहे हैं। टॉप नेव को मैंने क्या किया, टॉप नेव को कुछ करने की खैर जरूरत है नहीं अभी, लेकिन जरूरत पड़ेगी हमको टॉप नेव के। लेकिन अब जितने भी लिंक्स हैं, सबसे पहली बात तो उनका जो फॉन्ट डेकोरेशन है, सॉरी टेक्स्ट जो डेकोरेशन है उसको हमको क्या करना पड़ेगा, नन करना पड़ेगा जो अंडरलाइन आ रही है। साथ ही साथ इनका जो कलर है वो मैं जहाँ तक देख पा रहा हूँ कि ब्लैक कलर से थोड़ा सा लाइट है, तो हमने ब्लैक कलर से थोड़ा सा लाइट लिया, थोड़ा ज़्यादा नहीं, थोड़ा कम ही लाइट लिया। और उसके बाद और क्या करना है, इसको इसका फॉन्ट साइज़ छोटा करना है। तो फॉन्ट साइज़ एक बार हम अभी के लिए रख के देख लेते हैं 15 पिक्सल, और
अब एक बार रिलोड करते हैं तो देखा तो कुछ ज़्यादा ही छोटा आ रहा है, मेरा पेज तो नहीं साइज हो रखा। ठीक है 100% है, और हमको थोड़ा और बड़ा करना है, यानी 20 पिक्सल ठीक रहेगा जहाँ तक ख्याल है। 20 पिक्सल देर कर देखा, हाँ ठीक है। और उसके बाद जो मेरा टॉप नेव राइट है, क्या नाम दिया मैंने, टॉप नेव राइट, जो टॉप नेव राइट जो मेरा कंटेनर बनाया उन तीन लिंक का, उनको मैं क्या करना है, फ्लोट राइट करना है। ये मेरा वहाँ चला गया है। अब इसके बीच में मेरे को जितने भी ये लिंक्स हैं, इन लिंक्स की एक तो मेरे को थोड़ी सी पैडिंग देनी पड़ेगी कुछ 5 पिक्सल की, और मार्जिन देना पड़ेगा। एक बार देखते हैं 10 पिक्सल देके कितना आ रहा है, थोड़ा कम ही है। हमको पैडिंग थोड़ी सी एक तो बढ़ानी पड़ेगी 8 पिक्सल, और इसको कुछ कर देते हैं हम 13 पिक्सल। ठीक है पैडिंग देना कुछ खास फ़ायदा तो है नहीं, इसको हमको करना पड़ेगा एक बार के लिए जो डिस्प्ले इनलाइन ब्लॉक। हाँ अब ठीक है, थोड़ा सा पैडिंग जो ज़्यादा हो गई है, तो पैडिंग हम एक बारी थोड़ी सी कम कर लेते हैं। उसको रिलोड कर दिया मैंने, ये ठीक है। और उसके बाद अब क्या करना है कि इसको हमको फिक्स करना है। तो मैंने जो टॉप नेव है मेरा, इसको मैंने पोजीशन दी फिक्स, ये अभी तक हमने कवर नहीं किया है, लेकिन आगे आने वाली में हम करेंगे कवर इसको। पोजीशन फिक्स, और इसी पोजीशन होगी मेरी टॉप से 0 एंड देन लेफ्ट से 0। सेव करके एक बार रिलोड किया, गायब हो गया इसीलिए क्योंकि हमने उसकी पोजिशनिंग कर दी है। तो इसको हमको क्या करना पड़ेगा, इसकी इंडेक्सिंग सेट करनी, तो मैं एक इसका हमको बैकग्राउंड कलर सेट करना पड़ेगा। बैकग्राउंड कलर जो है हमको वाइट देना पड़ेगा, और साथ ही साथ एक और जो मुझे याद आ रही है इसकी दिक्कत, कि हमने इसकी विड्थ स्पेसिफाई नहीं करी है कि 100% रहेगी। 100% हाँ, देखो अब मेरा जो वेब पेज चल रहा है तो मेरा वो स्टेबल रह रहा है, ठीक बात है। अब उसके बाद मेरे को इसकी बॉक्स शेडो एक थोड़ा सा करना पड़ेगा। आप ध्यान से अगर देखो तो इसकी एक शेडो, एक नीचे ना शेडो आ रही थोड़ी सी, बिल्कुल ये शेडो 2 पिक्सल की, हमको वर्टिकली 0 पिक्सल चाहिए, सॉरी हॉरिजेंटली ये पहली जो लाइन है, उसके बाद ये 2 पिक्सल वर्टिकली, 5 पिक्सल ब्लर इफेक्ट एंड थोड़ा ब्लैक कलर का, एक ध्यान से देखना जो इफेक्ट आएगा। आ गया, थोड़ी हमने शेडो बना दी इसकी, और ये फिक्स है, ठीक है। अब उसके बाद हमारा जो ये बन चुका है, अभी तक जितना बन चुका है ठीक है, आगे चलते हैं। एक बारी नेव बार बन चुका है, अब हमको थोड़ा सा एक बारी होम सेक्शन पे आना है। तो होम सेक्शन को हाईलाइट किया, और होम सेक्शन में क्या है, कंटेनर, उसके अंदर दो एक इमेज और एक ये, और मेरे को करना क्या है कि मेरे को उस इमेज के ऊपर इस टेक्स्ट को इस तरीके से लिखना है ना। तो मैंने सबसे पहले इस का नाम क्या है, होम सेक्शन, होम सेक्शन, इसको पोजीशन दिया रिलेटिव, और जो मेरी जो मेरा टेक्स्ट है होम सेक्शन के अंदर, जो मेरा पी है, यानी कि होम सेक्शन के अंदर जो मेरा पी है, इसको मैंने क्या देना था, पोजीशन देनी थी मैंने इसको एब्सोल्यूट। इसको बॉटम से तो हमें थोड़ा सा 10 पिक्सल की दूरी, और लेफ्ट से थोड़ा 20 पिक्सल की दूरी, देखते हैं क्या आता है। देखो हमारा ये यहाँ पे आ रहा है, बस हमें करना क्या है, अब थोड़ा सा फॉन्ट साइज जो है इसका थोड़ा बड़ा करना है, जो कि रहेगा सम अराउंड 25 पिक्सल, कितना होगा 25, थोड़ा ही हुआ ये तो, लगभग 45 भी चला जाएगा तो भी ठीक है, इतना ठीक है। और दूसरी बात, इसका जो कलर रहेगा वो सम अराउंड कुछ ग्रे ग्रे सा कलर है, ग्रे कलर हो गया। ये इनका है जी, ये अपना है जी, थोड़ा सा फॉन्ट जो है अलग है, फॉन्ट का इतनी परेशानी वाली बात है भी नहीं। जो लेटर्स हैं ना उनके बीच में स्पेसिंग दिखाई दे रही है, तो हम इसको तो कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ लेटर स्पेसिंग सम अराउंड 3 पिक्सल की काफ़ी रहेगी, आई थिंक 3 पिक्सल की, अरे वाह ठीक दिख रहा है। बस ये जो है ना थोड़ा कुछ ज़्यादा ही उधर जा रखा है उसके मुकाबले, तो हम इस जो मेरा ये है इसको थोड़ा मार्जिन राइट दे सकता हूँ मैं कुछ 10 पिक्सल का। अब ये थोड़ा सा इधर आ गया है इनकी तरह, अब तक हम काफ़ी सही जा रहे हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब हमारा होम सेक्शन जो है रेडी हो चुका है। होम सेक्शन के बाद हमें अब क्या करना है, एक तो होम सेक्शन ख़त्म होने के बाद थोड़ा स्पेस है, ठीक है स्पेस है, और उसके बाद हमें अब बनाना है अबाउट।
तो पहली बात तो होम सेक्शन जो है मेरा उसके मार्जिन बॉटम थोड़ा सा हमको नीचे जो है उसका मार्जिन देना पड़ेगा। कुछ मैं दे देता हूँ 50 पिक्सल। चलो जी थोड़ा स्पेस बना है हमारा। अब फटाफट से डिज़ाइन करते हैं अपना अगला सेक्शन जो अपना है। सबसे पहली बात सेक्शन कंटेनर हमें बनाना पड़ेगा। ये जो मेरे 3 सेक्शन है अबाउट मेन्यू और कॉन्टैक्ट, देखो ये 3 सेक्शन है, इनके साइड में थोड़ा स्पेस है। यानी कि हमें करना क्या है, जो अपना सेक्शन कंटेनर है, सेक्शन कंटेनर जो है उसकी एक तो विड्थ थोड़ी कम करनी है। विड्थ मैं कर देता हूँ 80%, एक बार देखते हैं करके। और मेरा क्योंकि ये एक ब्लॉक लेवल एलिमेंट है तो मैं इसको सेंटर पे करना है, तो मार्जिन ऑटो दिया और इसको रिलोड किया। थोड़ा सा ना इसको और कम करते हैं, इसको 70% देते हैं, और कम नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे। अब ठीक लग रहा है मुझे। अब हमें क्या करना है, जो सेक्शन कंटेनर के अंदर सबसे पहला है अबाउट सेक्शन, ये डिज़ाइन करना है। यानी कि जो मेरी जो ये इमेज का कंटेनर है और टेक्स्ट का कंटेनर, पहली बात तो इसको 50-50% करना है। IMG कंटेनर की जो विड्थ रहेगी वो रहेगी 49% करते हैं, एक बारी 49%। और जो दूसरा मेरा टेक्स्ट कंटेनर जो है इसको हम रखते हैं विड्थ 49%। और एक बार फाइल को सेव किया और रिलोड किया। चलो इनकी विड्थ कम हुई। अब मुझे करवाना क्या पड़ेगा, इन दोनों को फ्लोट लेफ्ट करवाना पड़ेगा ताकि ये एक दूसरे को एक साथ आने दें। लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट, और इसको भी फ्लोट लेफ्ट कर दिया मैंने, रिलोड किया और मेरा चलो साथ साथ तो आया। बाकी ये आवर मेन्यू जो जा रहा है मेरे को दिख रहा है कि पीछे पीछे जा रहा है, तू क्या सोच रहा है, नज़रों से छुप रहा है। जो मेरा ये कंटेनर है ना, जिसको मैंने एक कंटेनर के अंदर अगर आपने जितने एलिमेंट है दोनों को इस तरह से कर दिया, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट लेफ्ट फ्लोट प्रॉपर्टी यूज़ कर दी, तो वो इस तरह कुछ बिहेव करता है। तो उसका जो एक कैलो ट्रिक है या एक तरीका है, कैलो की तरीका है, वो ये है कि इस कंटेनर को, यानी हमारा कंटेनर है अबाउट सेक्शन, तो इसको पता क्या कर दो, अबाउट सेक्शन इसको आप क्या करो, यहाँ पे ना आप सिंपली बस क्या करो, कंटेंट आप डाल दो नथिंग, और डिस्प्ले एज अ टेबल, और साथ ही साथ इसका जो क्लियर प्रॉपर्टी यूज करो क्योंकि हमने फ्लोट कर रखा है। अब रिलोड करो, तो क्या हुआ ये, आई डोंट नो ये क्या हुआ, क्या हुआ है कहीं तो दिक्कत आई है, यहाँ क्या बता रहा है। ऑल राइट, ये क्या कर दिया, यस देखो अब हो गया है आपका इमेज जो आपकी है और कंटेनर जो है आपका टेक्स्ट का, ये आ गए हैं साथ साथ। और अब आपका ये और मेन्यू जो उधर जा रहा था पीछे पीछे वो नहीं जा रहा, हॉरिजॉन्टल बार भी आ गया आपका। अब मुझे क्या करना है, एक तो ये जो टेक्स्ट का कंटेनर है इसके बीच का जो टेक्स्ट इन्होंने किस तरह कर रखा है और अपना किस तरह, इसको हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो पैडिंग देनी पड़ेगी सबसे पहली बार टेक्स्ट कंटेनर जो है। और एक और बात, इसको अगर हम पैडिंग दे रहे हैं तो हमको इसको इसकी बॉक्स साइजिंग जो है वो बॉर्डर बॉक्स बनाना पड़ेगा इसको। देखो बहुत सी प्रॉपर्टी ऐसी यूज़ हो रही हैं जो कि अभी तक हमने कवर नहीं करी है, लेकिन कोई बात नहीं, आने वाली वीडियोस में हम इसको कवर करेंगे। अभी हम एक बार ही देख रहे हैं एक्चुअल में ये सारी चीज़ें काम किस तरह करती हैं मिलके, ये आप भी सीख जाओगे तो बहुत आसान है, बहुत मज़ेदार चीज़ें हैं, मज़ा आता है यार कुछ कुछ बनाने में इस तरीके से। अच्छा इसकी मेरे को पैडिंग देनी पड़ेगी कुछ, थोड़ी सी टॉप की और थोड़ी सी बॉटम की मैं देता हूँ, कि टॉप और बॉटम से 10 पिक्सल और 20 पिक्सल आपकी हो जाए लेफ्ट और राइट की। तो मैंने इसको क्यों रिलोड कर दिया, इसको रिलोड करना था, अभी तक इतना ठीक है। और दूसरी बात, जो मेरी हेडिंग है और जो ये दूसरा पैराग्राफ है, इन दोनों को मैं यहीं से करता हूँ, नहीं तो सारा का सारा टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो जाएगा। मैं इसको स्टाइल करता हूँ टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और इसको भी मैं टेक्स्ट स्टाइल टैग यूज़ करते हैं टेक्स्ट अलाइन सेंटर, और रिलोड किया, अभी तक इतना ठीक है जी। और आपकी इस इमेज को हमने देख लो पैडिंग और वो नहीं दिया है, तो हमको इस इमेज को भी पैडिंग देनी पड़ेगी सेम 10 पिक्सल 20 पिक्सल। एंड साथ ही साथ आपको इसको बॉक्स साइजिंग करना पड़ेगा, बॉर्डर बॉक्स, इसको रिलोड किया, देन इट्स ऑल राइट, अभी तक ठीक है आपका। और एक और बात क्या है कि कंटेनर से आपकी
जो मेरी ये टेक्स्ट है ये नीचे शुरू हो रहा है। इसको हम इंस्पेक्ट करके देखते हैं कि ये स्पेस किस बात का आ रहा है। वैसे मैंने इसके टॉप में दी तो है, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। ये आपकी जो हेडिंग है ये आपकी मार्जिन ले रही है, तो मैं इस हेडिंग का जो मार्जिन टॉप है इसको कर देता हूँ 0 पिक्सल। भाई हमको नहीं चाहिए तेरा मार्जिन। रिलोड तो कर दिया और वो चला गया ऊपर, देन ठीक है, बस इंस्पेक्ट को हटाओ, अभी हमारा ठीक है बिल्कुल। और क्या करना है इसके अलावा, इसका जो आपको दिख रहा है साइज टेक्स्ट का, हमारे वाले का बड़ा है, इनका थोड़ा छोटा है, तो हम इसको छोटा करते हैं। और ये जो आपका ये वाला ना, इसके बीच में एक तो स्पेसिंग करनी है, लेटर स्पेसिंग, और ये जो फॉन्ट, ये तो फॉन्ट की बात है, ये हम नहीं कर पाएंगे, और ये हमको इसी से काम चलाना पड़ेगा, थोड़ा मोटा फॉन्ट है हमारा। ऑल राइट, तो उसके बाद हमको क्या करना है, इनका साइज छोटा करना है। तो मेरा यानी कि जो अबाउट सेक्शन है, जो मेरा अबाउट सेक्शन है, मुझे इसका फॉन्ट साइज जो है वो छोटा करना है। और कितना छोटा करना है, सिर्फ जो पी हैं उनका साइज छोटा करना है। और कितना करना है करके देखते हैं, 15 पिक्सल करके देखते हैं। 15 पिक्सल तो बहुत छोटा हो गया है, तो मैं इसको 25 पिक्सल करता हूँ। ये ज़्यादा बड़ा हो गया है, तो शायद 20 पिक्सल कर लेते हैं भाई। हाँ ये ठीक लग रहा है। अच्छा, उसके बाद आपको इसका जो कलर है ये ग्रे, आईडी मैंने चलो ग्रे दे रखी है, तो यहाँ से हम डायरेक्टली इसको पकड़ सकते हैं कि आपका जो ग्रे वाला आईडी का एलिमेंट है उसका कलर आप कर दो ग्रे, एंड देन रिलोड करते हैं। तो आपका ये ग्रे हो गया है, अब तक फिट एंड फाइन, बिल्कुल सही है। और अभी तक एक और चीज़ है कि इनकी इमेज जो है थोड़ी ब्लर है और हमारी वाली बिल्कुल डार्क सी है, तो हम इसको कर सकते हैं ठीक। यानी कि जो आपकी इमेज, यानी आपका जो इमेज कंटेनर के अंदर इमेज है उसकी ओपेसिटी हमको करनी है कम, वो भी थोड़ी ही कम, तो मैंने अब कर दी कम, तो अब हमारी दिख रही है थोड़ी ठीक। थोड़ा सा और कर देते हैं, चलो इतना ठीक है जी। ये है जी उनका और ये है अपना। थोड़ा सा फॉन्ट फिर से बड़ा हो गया क्या, फॉन्ट थोड़ा और छोटा कर लेते हैं, कहीं प्लस तो नहीं हो गया, नहीं ठीक है इतना, ठीक है इतना, अभी देख लेंगे इसको बाद में। उसके बाद क्या है कि ये ख़त्म होने के बाद इनका जो है थोड़ा सा मार्जिन बॉटम है, तो हम मार्जिन बॉटम यूज़ करते हैं इसमें। हमारा जो यानी कि अबाउट सेक्शन है, अबाउट सेक्शन मेरा मैंने यहाँ पे कहीं यूज़ किया था क्या, चलो कोई बात नहीं, यहाँ कर लेते हैं। अबाउट सेक्शन जो है मेरा, उसका मेरे को मार्जिन बॉटम यूज़ करना है, 50 पिक्सल यूज़ कर लेते हैं। 50 पिक्सल आ तो गया। एक और चीज़, अगर हम अबाउट पे क्लिक करते हैं, अबाउट पे क्लिक कर रहे हैं तो ये आ तो रहा है, ये अबाउट के ऊपर से साइज आ रहा है, लेकिन हमको नीचे से करना है। इसका मतलब मुझे इसको थोड़ी पैडिंग देनी पड़ेगी, इस वाले को, जो मेरा अबाउट सेक्शन है, जो मेरा अबाउट सेक्शन है यहाँ पे, इसको मुझे पैडिंग देनी पड़ेगी। खासकर पैडिंग टॉप हमको अभी चाहिए ना, पैडिंग टॉप में अभी 70 पिक्सल देता हूँ अगर, और अगर रिलोड करता हूँ, अब मैं अगर इस पे अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो ठीक है, अभी तक ठीक है। मेन्यू पे क्लिक करते हैं तो फिर से जा रहा है, वो भी मेन्यू पे आएंगे तो उसको करेंगे। अबाउट का ठीक है और अपना ये होम का ठीक है, ठीक है अभी तक, यानी कि हम ठीक जा रहे हैं। उसके बाद आवर मेन्यू डिज़ाइन करना है अब हमको, यानी कि ये मेन्यू वाला जो है वो डिज़ाइन करना है। और मेन्यू वाले के अंदर है क्या कि लेफ्ट में अपना टेक्स्ट कंटेनर है और राइट में इमेज है, और ऐसा दिखना चाहिए कुछ, सीधी सी बात। और अपना है अभी बिल्कुल ही विपरीत, तो चलो करते हैं शुरू। ये रहा मेन्यू सेक्शन, इसको थोड़ा हाईलाइट करते हैं। मेन्यू सेक्शन मेरा शुरू हो रहा है यहाँ से और ख़त्म है यहाँ तक, या और नीचे तक, और नीचे तक है भैया। चलो अभी के लिए पहले इसको ही करते हैं। करना क्या है कि जो मेन्यू सेक्शन है, सबसे पहली बात तो मेन्यू सेक्शन के अंदर ये जो दो सेक्शंस हैं इनको 50-50% करके और आधा आधा करके फ्लोट करना है प्रॉपर्टी। तो मैंने क्या किया, हैश मेन्यू सेक्शन
को हमको अभी करना पड़ेगा कुछ ना कुछ, इसलिए तो छोड़ते हैं। उसके अंदर जो मेरा टेक्स्ट कंटेनर 2 है, इसकी विड्थ मुझे चाहिए 49%, और इसमें एक और चीज़ क्या चाहिए कि मेरे को ये फ्लोट हो जाए लेफ्ट, देन उसके बाद जो मेरा IMG कंटेनर 2 है सेम इसका भी रहेगा विड्थ 49% एंड देन फ्लोट लेफ्ट। अरे भैया फ्लोट लेफ्ट, हाँ तो फ्लोट लेफ्ट किया, परफेक्ट आ गया। एक और बात, फिर से ये कॉन्टैक्ट को देखो जा रहा है ना उसकी तरफ, अभी रोकते हैं इसको। हमें करना क्या है, मेन्यू सेक्शन, क्योंकि मेन्यू सेक्शन एक कंटेनर है जो कि हमारा टेक्स्ट कंटेनर भी ले रहा है और मेन्यू ये जो इमेज है इसको भी कंटेन कर रहा है, और दोनों को फ्लोट लेफ्ट कर रखा है, तो इसलिए ये इस तरीके से कुछ बिहेव कर रहा है कि हमारा ये कॉन्टैक्ट यानी अगला ब्लॉक भी है इसी ब्लॉक के अंदर जा रहा है। तो हमको वही करना पड़ेगा जो हमारी एक ट्रिक है इस चीज को हैंडल करने की, कंटेंट यूज करना है हमको एम्प्टी स्ट्रिंग, एंड देन आपको इसको करना है डिस्प्ले एज अ टेबल और क्लियर बोथ। फाइल को सेव किया, रिलोड किया, देखा मान गया ना, पहले मान जाता है यार। ऑल राइट, इसको भी हमको अब देखो क्या करना है, मेन्यू पे क्लिक कर रहे हैं तो हो रहा है पहली बात कि वो छुप जा रहा है, तो हमको यानी कि अपना जो मेन्यू सेक्शन है इसको पैडिंग टॉप देनी पड़ेगी थोड़ी सी, जितनी हमने उसको दी थी, हमने कितनी दी थी उसको, कहाँ है हमारा 70 पिक्सल, हिंदी भी ठीक ही है यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 70 पिक्सल। और एक बार रिलोड किया तो बन रहा है स्पेस, ठीक है कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बन रहा है स्पेस। अब अगर मैं मेन्यू पे क्लिक करता हूँ तो हमारा मेन्यू आ रहा है परफेक्ट, ठीक है। उसके अलावा एक और चीज़ अब क्या करनी है हमको, इन दोनों को थोड़ी थोड़ी इनके बीच में थोड़ा स्पेस होना चाहिए ना, जैसे इनका है, सबसे पहली बात इन दोनों को क्या करना है स्पेस दिलवाना है। तो मैंने यानी कि टेक्स्ट कंटेनर जो है इसको पहले बॉक्स साइजिंग करनी पड़ेगी आपको, बॉर्डर बॉक्स, और इसको पैडिंग दिलवानी पड़ेगी। हम बॉर्डर बॉक्स इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपने इस देखो कंटेनर की विड्थ 49%, अगला जो इसका कंटेनर आ रहा है वही 49 यानी 98% हो गया। अगर मैं इसकी पैडिंग भी मान दे देता हूँ 20 पिक्सल 30 पिक्सल दे देता हूँ, तो ये क्या करेगा, इसका साइज कंटेनर से बड़ा हो जाएगा दोनों का, तो ये चला जाएगा नेक्स्ट लाइन में, जो आपका दूसरा ये जो आपका इमेज कंटेनर ये उसके साथ में नहीं आएगा। अगर हम बॉर्डर बॉक्स इसको बॉक्स साइजिंग इसकी बॉर्डर बॉक्स कर देते हैं तो आपका पैडिंग कैलकुलेट हो जाती है आपकी विड्थ में, यानी 49% उसकी टोटल विड्थ रहेगी इंक्लूडिंग पैडिंग, ठीक है। अब इसको डिटेल में हम किसी अगले वीडियो में देखेंगे, लेकिन अभी के लिए हमको जो काम करना है वो करना है। 10 पिक्सल दी थी हमने वहाँ पे भी और 20 पिक्सल दी थी ये। अगर हम देखो पैडिंग के अंदर दो वैल्यू यूज करें तो 10 पिक्सल 20 यानी 10 पिक्सल टॉप बॉटम से 10 पिक्सल होगा और राइट और लेफ्ट से आपका 20 पिक्सल होगा, ठीक है। फाइल को सेव किया, रिलोड किया, तो अभी तक ऐसा है। अब मैं इमेज को भी अपना सेम कर देता हूँ, मैंने इस कोड को कॉपी किया देन यहाँ पे एक बार पेस्ट कर दिया देन रिलोड किया और अभी तक फिट एंड फाइन। और ये हेडिंग है मेरी, मुझे पता है कि ये नहीं मान रही है, इसको भी मनाते हैं। क्या करना है हमको, इसको स्टाइल मार्जिन टॉप करना है मेरे को 0 पिक्सल, ठीक है ना। अब मेरा ये जो है आ गया एक सीध में। अब उसके बाद जितने भी मेरे ये पैराग्राफ्स हैं इनको मेरे को करना है ग्रे कलर का, क्योंकि इनका भी और है ग्रे कलर का। इनका फॉन्ट बस जो है ना थोड़ा सा इनका फॉन्ट पतला है, अपने का फॉन्ट थोड़ा मोटा है, और वो फॉन्ट अपने पास है भी नहीं, कर भी क्या सकते हैं, क्योंकि मैंने चेक किया था इसको, ये पार्ट मैंने कट किया है वीडियो में। ये जो है एक कुछ प्ले सम कुछ था इसका फॉन्ट, तो फॉन्ट वाला मेरे सिस्टम में नहीं है, तो इससे हम काम चला रहे हैं जो हमको फिलहाल मिल रखा है, लेकिन कोई बात नहीं, इसे कुछ खास फर्क नहीं है, ठीक है, हम सिर्फ प्रैक्टिस ही कर रहे हैं पहली बात। ऑल राइट, इसको हम क्या करना है, हमको हमारा जो टेक्स्ट कंटेनर टू का जो पैराग्राफ्स हैं उनका कलर चाहिए हमको ग्रे। रिलोड किया, ग्रे कलर हो गया, साथ ही साथ हमको इसका फॉन्ट साइज भी छोटा करना है, तो मैंने इसको मान लो अगर किया 15 पिक्सल, और एक बार अभी देखते हैं,
तो ये कितना छोटा हो रहा है, थोड़ा सा ज़्यादा छोटा हो रहा है, आप इसको 17 कर दो और इतना ठीक है। अगर मैं फॉन्ट यहाँ पे, आप अगर बुरा ना मानो तो फॉन्ट फैमिली अगर मैं एरियल यूज़ कर दूँ तो आप क्या बुरा मानोगे? डेफिनेटली मानना चाहिए, कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है भैया कि मोटा तो है ही अभी भी। ठीक है, हम एक काम कर सकते हैं, ये जो मैं हमारी हेडिंग्स है ना, जो आपको जो ये वाली ब्रेक बास्केट ब्रेड बास्केट वगैरह मोटी दिख रही है, हमने क्योंकि अभी ये कौन सा H3 यूज़ किया हुआ है, अगर मैं इसको H6 करूँ यूज़ और इसका फॉन्ट साइज बड़ा कर दूँ तो काम बन सकता है। तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड करके फटाफट से कर देता हूँ। मैंने सारे जितने भी H3 थे उनको H6 कर दिया है। अब एक बार फाइल को सेव करके रीलोड करते हैं तो क्या आ रहा है, देखो हमारा ये छोटा हो गया है, ठीक है ना, लेकिन इसका जो मोटा था ना वो इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसको हम यानी कंट्रोल जेड ही कर दें तो ही ठीक है, लेकिन हम इसको H3 की बजाय H5 कर लेते हैं यूज़, तो ये ज़्यादा बेटर है उससे तो। और ये जो आवर मेन्यू है आपको दिखाई दे रहा है, ये सेंटर में अलाइन है, तो हम इसको एक बारी सेंटर अलाइन कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर। तो इसको जो टेक्स्ट अलाइन किया हमने, सेंटर किया, रिलोड किया, आवर मेन्यू आ गया है सेंटर पे। ऑल राइट, अभी तक हमारा जो है इतना काम बन चुका है। और मेन्यू सेक्शन जो है इसको हमको मार्जिन बॉटम देना पड़ेगा थोड़ा सा, और हमने वहाँ कितना 50 पिक्सल यूज़ किया था ऐसा कुछ, तो इतना ठीक है। उसके बाद अब चलो कॉन्टैक्ट का फटाफट से करते हैं, वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। सबसे पहली बात तो ये कॉन्टैक्ट सेक्शन जो है यहाँ से यहाँ तक का है, इसको हाईलाइट किया। अब उसके बाद कॉन्टैक्ट सेक्शन में गया, हैश कॉन्टैक्ट सेक्शन, और इसको मैंने पैडिंग टॉप, सबसे पहले जो दी पैडिंग टॉप वो दे दी मैंने। पैडिंग टॉप तो मुझे 70 पिक्सल चाहिए टॉप से, राइट लेफ्ट से मुझे इसको कमी चाहिए, कितनी 20 पिक्सल चाहिए थी, और बॉटम से भी मुझे ज़्यादा चाहिए, लेकिन वो हम मार्जिन यूज़ कर लेंगे, ठीक है। और मार्जिन बॉटम हम हर जगह देते हैं 50 पिक्सल, और अभी इसमें कुछ चेंजेस नहीं आए हैं कॉन्टैक्ट सेक्शन। एक बार चलते हैं आगे, अभी इसको कवर करते हैं। और उसके बाद जो आपका पैराग्राफ है कॉन्टैक्ट सेक्शन के अंदर, जितने पैराग्राफ है उनका साइज़ एक तो छोटा करना है, तो मैंने कॉन्टैक्ट सेक्शन जो है इनमें जितने भी पैराग्राफ हैं उसकी फॉन्ट साइज़ जो है कम करना है। फॉन्ट साइज़ मैंने कुछ किया 15 पिक्सल अगर यूज़ करता हूँ तो क्या आता है, इतना छोटा आ रहा है और इतना ही है, ठीक है। आपकी पैडिंग यूज़ नहीं हुई है इस पर कॉन्टैक्ट सेक्शन के ऊपर, पैडिंग टॉप मैंने इस तरीके से दे दी है अगर ये, लेकिन हमको इस तरह से यूज़ नहीं करनी, आप इस तरीके से यूज़ करोगे। अब हुआ है, वो गलती हो गई, मिस्टेक थी, ठीक है कोई बात नहीं, चलो उसके आगे चलते हैं। अब हमें ये क्या करना है, चार इनपुट है हमारी, इन चार इनपुट को हमको क्या करना है, देखो यहाँ पे 100% इनकी विड्थ करनी है, यानी कि जो मेरा कॉन्टैक्ट सेक्शन जो है इसके अंदर जितने भी इनपुट हैं, या फिर हाँ मैं ऐसे कर सकता हूँ, इनपुट जो हैं, लेकिन मेरी इनपुट टाइप कौन सी, इनपुट टाइप इज इक्वल्स टू एक तो टेक्स्ट वाली एंड साथ ही साथ कॉमा लगा के जो मेरी एक थी ना डेट वाली, दोनों को हमको सेम देनी है। तो इसको हमको क्या करना है, इनकी जो विड्थ है वो करनी है 100%, देखते हैं एक बारी अभी तक कितना हुआ, 100% हुआ। और इसके अलावा जो इसकी हमको क्या करना था, बॉर्डर बॉटम यूज़ करना है हमको 1 पिक्सल सॉलिड ग्रे कलर का, और हमको बॉर्डर सेट करना है एक बार चाहिए नन। ऑल राइट, अब तक ठीक है।
और एक और चीज़ हमको क्या करनी है, इसमें फॉन्ट साइज़ जो है वो थोड़ा सा बड़ा करना है, 25 पिक्सल कर देते हैं। पैडिंग थोड़ी सी यूज़ करनी है, 5 पिक्सल यूज़ कर देते हैं। और हमको इसके साथ साथ मार्जिन बॉटम थोड़ा सा इनके बीच में स्पेस करने के लिए करना पड़ेगा, तो 10 पिक्सल आई थिंक काफ़ी होगा। किया तो ये बस इसका ये मुझे काफ़ी ज़्यादा दिख रहा है, 25 पिक्सल में 15 पिक्सल तो ज़्यादा छोटा हो जाएगा, बट ठीक है, इतना ही इनका भी है, इतना ही इनका भी है। बस इनके बीच में थोड़ा सा जो है पैडिंग और मार्जिन बढ़ाना पड़ेगा, और ख़ास करके पैडिंग बढ़ानी पड़ेगी। 15 पिक्सल अगर करता हूँ मैं तो अब मुझे ठीक लग रहा है। उसके अलावा हमको क्या करना है, उसके अलावा हमको करना है ये जो सेंड मैसेज बटन है, हमने बटन बना रखा है जो बटन एक ही है, चलो खैर बटन को सिलेक्ट किया, और इसको हमको क्या करना है, एक तो बॉर्डर हटाना है, बॉर्डर नन, और इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो ग्रे रहेगा, थोड़ा ग्रेश कलर है। और इसकी जो फॉन्ट फैमिली है इस बार हम सेरिफ यूज़ करेंगे। रिलोड किया, ग्रेश से थोड़ा सा हमको लाइट चाहिए तो मैंने इसको लाइट कर दिया, लाइट हो गया। अब इसके साथ साथ इसकी जो फॉन्ट फैमिली है वो हमारी थोड़ी बड़ी होगी, 15 पिक्सल कर देते हैं, और साथ साथ इसकी थोड़ी पैडिंग रहेगी, 10 पिक्सल कर देते हैं। अभी भी थोड़ा सा और करना पड़ेगा, वैसे हमें इतना ज़्यादा इस चीज़ में रहना नहीं चाहिए। ठीक है, अभी ये कैटरिंग वाली लाइन है, इसका जो कलर है वो थोड़ा सा ब्लूश सा लग रहा है, यानी कि ये जो कैटरिंग वाली लाइन है, कैटरिंग सर्विस, इसको स्टाइल करना है। कलर मैं देता हूँ ग्रे, कैसा लगता है, काम चलाओ है कि नहीं है, नहीं है, थोड़ा सा इसको ब्लूइश करना पड़ेगा, ब्लूइश, कोई भी काम नहीं चलेगा, कलर सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई थिंक इतना ठीक है, कलर कैटरिंग वाला जो है ये लाइन थोड़ी सी बड़ी दिखाई दे रही है मेरे को, थोड़ा इसका जो फॉन्ट साइज है ना वो थोड़ा सा बड़ा दिखाई दे रहा है, तो फॉन्ट साइज थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इसका, 15 पिक्सल कितना रहेगा, तो इतना तो है ही ऑलरेडी, 25 पिक्सल ज़्यादा बड़ा हो गया, 20 पिक्सल इतना ठीक है। अभी तक जो हमने बना चुके हैं हम, वो बन चुकी है इतनी, कॉन्टैक्ट सेक्शन हो गया। अब उसके बाद हमको एक बार फुटर डिज़ाइन करना है। फुटर में इन्होंने क्या कर रखा है, लाइट ग्रे कलर है, थोड़ी पैडिंग है, और ठीक है जो भी है समझ गए हम। ऐश फुटर हमने सेलेक्ट किया, इसको पैडिंग थोड़ी सी अच्छी खासी देनी पड़ेगी, 20 पिक्सल की दी, और बैकग्राउंड कलर इसको दिया हमने थोड़ा ग्रे करके, और थोड़ा सा लाइट, लाइट कितना लाइट, आई थिंक इतना, अरे जा भाई, इतना ठीक है, और 20 पिक्सल भी काफ़ी नहीं है, 40 पिक्सल दिया, 40 पिक्सल आया तो सही है। एक और बात, हमको इसको टेक्स्ट अलाइन जो है एक तो सेंटर करना है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हुआ, पावर्ड बाय W3CC नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ चला गया, फुटर के अंदर जो ए है, एक बार उसको पकड़ते हैं, फुटर के अंदर जो ए है उसको कलर देते हैं एक बार ग्रीन, ये है कहाँ दिखाई नहीं दे रहा, कहाँ हो भैया, ऑल राइट, इतनी बड़ी गलती, अभी ठीक है, तुम काहे खुले भैया, ये ठीक है। और
हमें इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो कम करना है, इतना बड़ा नहीं चाहिए। फॉन्ट साइज़ हमें चाहिए मान लो 10 पिक्सल, और इस पे हमें कुछ नहीं चाहिए। इसको रिलोड करते हैं, ज़्यादा छोटा हो गया, हमने इसको कर दिया 15 पिक्सल। ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट थोड़ा सा कलर का फर्क है, बाकी तो इतना फर्क है नहीं। ऑल राइट, बस वही है थोड़ा सा, क्या है कि आपका इसका फॉन्ट फैमिली का फर्क है, और एक दूसरी बात फॉन्ट साइज का फर्क है। बाकी तो देखो एक बार शुरू से करते हैं कि आपकी ये वेबसाइट है, ये है W3 स्कूल वालों की टैब, ये है W3 स्कूल वालों की जो टैब मैंने ओपन की हुई है, ये उनका बनाया हुआ ऑल राइट, और ये अपना बनाया हुआ, वो ज़्यादा बेकार नहीं है और इतना ज़्यादा ओसम तो खैर क्या है, बस वही बात है कि फॉन्ट फैमिली का फ़र्क है। अगर मैं अबाउट पे क्लिक करता हूँ तो अबाउट खुल जा रहा है, मेन्यू पे क्लिक करता हूँ मेन्यू खुल जा रहा है, कॉन्टैक्ट पे क्लिक करता हूँ कॉन्टैक्ट खुल जा रहा है, और होम पे करता है तो होम खुल जा रहा है। यानी कि सब कुछ सेम है, लगभग सेम है। और एक और बात, जो आपकी इमेजेस हैं उनके कॉर्नर्स जो हैं ब्रेक है, तो मैंने अब ध्यान दिया, तो हम इसको तो बहुत इजी कर सकते हैं। मैंने सिंपली सेक्शन कंटेनर, मैं सिंपल कहूँगा सेक्शन कंटेनर के अंदर जितने भी इमेजेस हैं उनका बॉर्डर रेडियस जो है आप थोड़ा सा 5 पिक्सल कट कर दो। देखने वालों की डिमांड है भैया, कर दिया है जी 5 पिक्सल का इन्होंने, और कुछ तो नहीं दिया गया। आई होप कि सब कुछ सेम हो, आई होप ये भी है आपका, अगर ऐसा आप सोच रहे होगा तो ये भी है डेट वगैरह। हाँ डेट टाइम यूज़ कर सकते हैं, अभी सिर्फ डेट कर रखी है, वो बड़ी बात नहीं है। ठीक है, ऑल ओके। तो ठीक है दोस्तों, 1 घंटे की वीडियो जो है ऑलरेडी बन चुकी है, 1 घंटे में बना है। वही है कि थोड़ा आराम आराम से चल रहे थे, थोड़ा साथ साथ बोलना भी होता है और टाइप भी करना होता है। तो ठीक है दोस्तों, ये हमने बनाई है, आपको एक थोड़ा सा एक आइडिया मिला होगा कि किस तरीके से आपको जो है करना है सब कुछ जो है, मतलब किस तरीके से प्रॉपर्टीज़ वगैरह यूज़ करने हैं। बाकी ये है कि देखो, आप ये जो हम पीछे टुकड़ों में सीखते आ रहे हैं, एक एक प्रॉपर्टी सीखते आ रहे हैं, आप इनको अच्छे से सीखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ये इसी तरीके से यूज़ होएंगी, जैसे हम कर रहे हैं इसको यूज़ इसी तरीके से यूज़ होएगी। अगर देखो आपने ऐसी वेबसाइट अगर 1 घंटे में हमने बनाई तो इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं लिया, शायद और कम समय में बन सकती थी, लेकिन वही बात है कि इट डिपेंड्स कि आप एक तो कैसे मूड में बैठ के बना रहे हो, एक वीडियो और रिकॉर्ड करते हो तब बनाते हो, तो थोड़ा फ़र्क पड़ता है। तो ठीक है दोस्तों, हम आगे सीरीज को कंटिन्यू करेंगे और इस तरह की भी हम करते रहेंगे, हम टेम्पलेट्स वगैरह जो है डिज़ाइन बना के देखते रहेंगे बीच बीच में, ताकि हम थोड़ा सा एक गाइड मिलती रहे, गाइडेंस मिलती रहे कि हम रियल वर्ल्ड में जैसे प्रोजेक्ट्स वगैरह पे किस तरीके से काम करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, हालत हो चुकी थोड़ी सी पतली। मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, बाय।